यहाँ से पहले जाती थी तो बंद हो गई क्या? जाती थी, पीछे जाती थी, बंद हो गई। अच्छा, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आया हूँ नवलखा का बस स्टैंड, जो कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। तो आज मैं आपका यहाँ का टूर दूंगा, कौन कौन से बस कहाँ जाती है। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे पूरा टूर देने। तो चलते हैं, अभी तो मैं यहाँ फ्रंट में खड़ा हूँ, मेरे पीछे देख ही सकते आप बस है। तो चलते हैं अपन। तो गाइस अपन अंदर आ चुके हैं, यहाँ रॉयल स्टार की बस वन खड़ी है। दोस्तों ये यहाँ पर हरदा, कन्नौज, महेद गांव वगैरह सब जाती है रॉयल स्टार की बस, और ये यादव की बस है। इंदौर, कन्नौज, हरदा, सिरकिया सब जगह जाती है बस यहाँ से। तो आप यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। बस का आप टाइमिंग वगैरह बता सकते हो क्या? कन्नौज वगैरह जाती है बस हरदा, तो क्या 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 टाइम बजे से चालू हो जाती है गाड़ियाँ? हाँ, सुबह 5 बजे से। कितनी बस जाती है? अच्छा, और बड़वानी वगैरह की? नहीं, अंदर बड़वानी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जाती है। ठीक है, सरवटे से। यहाँ से पहले जाती थी तो बंद हो गई क्या? पीछे जाती थी, बंद हो गई। अच्छा, तो यहाँ से बस ये इंदौर, कन्नौज, फतेहगांव, हरदा, देवास वगैरह की बस वगैरह भी नहीं जाती? नहीं जाती, बस यही जाती है यहाँ। अच्छा, केवल हरदा, कन्नौज, फतेहगांव, होशंगाबाद, सिवनी, बनापुरा। अच्छा, फिर क्या? ओके दोस्तों, बैतूल वगैरह की बस भी चलती है यहाँ पर, बुरहानपुर। सर ये बस कहाँ कहाँ चलती है? ये डबल चौकी, चापड़ा, बागली, पंजापुरा, बिजली। अच्छा, कोटला, कंडिया। अच्छा, यहाँ पर 3 महीने से मिलेगी। पहले यहाँ से चलती थी तो क्या हो गया? यहाँ का स्टैंड चेंज हो गया। अच्छा, स्टैंड चेंज हो गया, बहुत है ना। अच्छा, ठीक है, मैंने नौलखा की कितनी अच्छी खूबसूरती देखो। ओके दोस्तों, यहाँ रूम्स वगैरह के भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ रूम्स वगैरह भी ले सकते हैं, एसी और नॉन एसी। आगे से देखो ये ट्रक लग रही है, पीछे देखो तो बस लग रही है। तो यहाँ निर्मल ट्रेवल्स का ऑफिस भी मिल जाएगा सभी पे। ओके दोस्तों, आपको इंदौर, पुणे, शिरडी वगैरह भी जाना हो तो यहाँ से बस चलती है। ये ऑफिस बने हुए सिद्धार्थ ट्रेवल्स, ओम साई राम बस, हाँ सर्विस, ओनर, सभी तरह के ऑफिस बने हुए हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, यहाँ खाने पीने की भी है, आप देख ही सकते हो। और रूम्स वगैरह चाहिए तो रूम्स वगैरह भी है, होटल वगैरह। अभी हमने सब बात करी है तो यहाँ पर सब ने बताया है, तो उनसे पता चला। दोस्तों यहाँ का नाम इस कारण पड़ा है क्योंकि यहाँ 9 लाख आम के पेड़ थे, तो इस कारण से नवलखा बस स्टैंड नाम पड़ा है यहाँ का। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। आज का नवलखा बस स्टैंड का टूर दिया मैंने, कौन सी कहाँ बस जाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय।